28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल प्रभावी माना जाएगा। ज्योतिष दृष्टि से ये ग्रहण एक बड़ा ग्रहण होगा, क्योंकि इस ग्रहण का असर बहुत अधिक राशियों पर पड़ेगा। चंद्रमा से प्रभावित होने वाली राशियां इससे प्रभावित होंगी। वहीं ग्रहण के बाद किए जाने वाले दान भी किए जाएंगे। ग्रहण का सूतक काल शाम 4 बजे से लग जाएगा, तो देश भर के सभी मंदिरों में दर्शन बंद हो जाएंगे। इसके अलावा शरद पूर्णिमा होने के कारण खीर प्रसाद नहीं मनेगा, क्योंकि चंद्रमा उस समय ग्रहण से ग्रसित होगा, इसलिए उसकी रोशनी में खीर नहीं रखी जाएगी। ग्रहण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी दक्षिण, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। भारत में भी चंद्र ग्रहण दिल्ली, गुवाहाटी, उदयपुर, उज्जैन, बड़ौदरा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, हिसार, बरेली, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता और लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर समेत कई शहरों में नजर आएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण आधी रात के आसपास भारत के सभी स्थानों पर दिखाई देगा। ग्रहण की अवधि 1 घंटा 19 मिनट रहेगी। ग्रहण का उपछाया चरण 1 बजे शुरू होगा। 29 अक्टूबर को 5 मिनट और 2:24 पर समाप्त होगा। आपको बता दें कि नासा के अनुसार चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में स्थित होती है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की सतह धुंधली हो जाती है और कभी कभी कुछ घंटों के दौरान चंद्रमा की सतह एकदम लाल हो जाती है। प्रत्येक चंद्र ग्रहण पृथ्वी के आधे भाग से दिखाई देता है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।